दोस्तों बैंगन की बहुत सारी सब्जी आपने ट्राई की होंगी, रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैंगन की बहुत ही खास सब्जी की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका आपके अपने चैनल रीना किचन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ बैंगन की बहुत ही चटपटी स्पाइसी सी सब्जी, वो भी बेसन के साथ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बेसन वाले मसालेदार चटपटे बैंगन, और ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्जी कैसी लगी लास्ट में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बैंगन की बेसन वाली चटपटी मसालेदार सब्जी बनाना। दोस्तों आज लेके आए हैं आपके लिए बेसन वाले बैंगन की मसालेदार चटपटी सब्जी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इस बेसन वाले बैंगन की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए छोटे वाले बैंगन। तो यहाँ पे हमने छोटे साइज़ वाले जो बैंगन हैं वो 4 ले लिए हैं सब्जी बनाने के लिए। उन्हें अच्छे से धो के साफ़ कर लीजिए। और इसके साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बैंगन की डंठल भी, तो इन्हें काटना नहीं है, इन्हें भी हम सब्जी में यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम लेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिन्हें हमने रफली कट कर लिया है लंबे लंबे पीसेज में। साथ में लेंगे आधे बाउल दही, जो कि मसालेदार बेसन के बैंगन को बहुत बहुत अच्छा एक टच देता है, बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है। यूज़ करेंगे सरसों का तेल। अगर आप सरसों के तेल में सब्जी नहीं खाते तो जो भी आपको ऑयल पसंद है, आप जिसमें सब्जी बनाते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। हरे धनिए की पत्तियाँ। यहाँ पर लेंगे बेसन, 2 से 3 बड़े चम्मच। कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, लहसुन, अदरक रफली कट किए हुए 5 से 6 लहसुन की कली और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, इन्हें भी हमने रफली कट कर लिया है। और मसाले में हम लेने वाले हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, और यहाँ पे है साबुत जीरा और अजवाइन, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में, यानी कि बराबर मात्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन वाले बैंगन की चटपटी स्पाइसी सी सब्जी बनाना। बेसन वाले बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगनों को अच्छे से साफ करेंगे, धोएंगे और कपड़े से अच्छे से इसे पोंछ लेंगे। और अब क्या करना है कि हमें बैंगन को कट करना है, लेकिन ये डंठल ना कटे, हमें इसे थोड़े से पहले ही इस तरीके से एक कट लगाएंगे और इस तरीके से दूसरा। तो यहाँ पे हम अंदर चेक करेंगे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बैंगन में जाते कीड़े आ जाते हैं। तो ये देखिए कोई कीड़ा नहीं है, बैंगन बिल्कुल साफ सुथरा है। तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे बैंगन के अंदर, क्योंकि बैंगन में हमें थोड़ी सी स्टफिंग भरनी है, और जिससे कि बैंगन में अंदर तक फ्लेवर जो है मसाले का चला जाए। तो यहाँ पर मैंने काट दिए हैं 4 बैंगन, अच्छे से कट चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। बैंगन कटने के बाद हम फिर रख लेते हैं गैस पे कढ़ाई, और कढ़ाई एकदम सूखी होनी चाहिए, क्योंकि हम कढ़ाई में भूनने वाले हैं सबसे पहले इस बेसन को, क्योंकि ये बेसन जो है कच्चा है। तो अच्छा रहेगा कि सबसे पहले हम इसका टेस्ट फ्लेवर बढ़ाने के लिए बेसन का इसे थोड़ा सा भून लें। और भूनने के लिए क्या है कि बेसन का कलर हल्का सा भुना, यानी ब्राउन हो जाएगा, और एक भुने हुए बेसन की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बेसन का कलर ब्राउन हो चुका है, तो अब हम बेसन को बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई में से एक बाउल में। बेसन भुने हुए को निकालने के बाद अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, 2 चम्मच के करीब। और ऑयल यानी कि तेल गर्म होने के बाद इसमें हम ये अदरक और लहसुन हमने रफली कट किए हैं, हम इन्हें डालेंगे। एक सेकंड चलाने के बाद अब हम इसमें ये प्याज भी डाल देते हैं, क्योंकि प्याज को भी हमें इन्हीं के साथ भूनना है। और साथ में ही जाएगी हरी मिर्च और ये खड़े मसाले, जो हमने 2-3 काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी ली है, इन्हें भी हम प्याज, अदरक और हरी मिर्च के साथ भूनेंगे। प्याज का कलर ब्राउन होने लगा है, तो ये अदरक, लहसुन और प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम यहाँ पर हम बंद करेंगे, और जो प्याज है इसमें ही हम ये भुना हुआ बेसन जो हमने भुना था ये मिक्स कर देंगे सारा। तो
ऐसा करने से क्या होगा कि बेसन आराम से पिस जाएगा और एक पेस्ट तैयार हो जाएगा बेसन का भी, साथ में गांठें भी नहीं पड़ेंगी। अगर आप बेसन को बाद में अलग से मिक्स करेंगे तो आपको गांठों को फोड़ने में और बेसन को मिक्स करने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से प्याज वगैरह के साथ बेसन डाल देंगे तो एक तो प्याज वगैरह पिसने के लिए ठंडी भी जल्दी हो जाएंगी और दूसरा ये पिस के गांठें भी नहीं पड़ेंगी। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इन सभी चीज़ों को निकालेंगे एक मिक्सी के जार में और इनका बनाएंगे एक पेस्ट। तो यहाँ पर मैं मिक्सी का जार ले लेती हूँ और इसके अंदर तो सभी चीज़ें हैं इस मिक्सी के जार में और इसमें हम डाल रहे हैं ठंडा पानी इसे पीसने के लिए और बनाते हैं एक स्मूथ पेस्ट। तो पिस चुका है प्याज का ये पेस्ट और इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। पेस्ट को आप ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। तो यहाँ पर हम पेस्ट को थोड़ा गाढ़ा रखने के लिए इसलिए कह रहे थे कि हमें पेस्ट को हल्का सा बैंगन के अंदर भी फिल करना है जिससे बैंगन जो है मसालेदार बने और इनमें अंदर जो है इसका फ्लेवर अच्छे सा चला जाए। तो ये मैं बैंगन को इस तरीके से खोल रही हूँ और जो पेस्ट हमने बनाया है इसे यहाँ इस तरीके से हम ऐड करेंगे। दूसरी साइड से भी हमें सेम प्रोसेस करना है, इस तरीके से डाल देंगे बैंगन के अंदर और अब जितना भी बाहर एक्स्ट्रा है इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से। तो एक एक बैंगन को इस तरीके से हम फिल कर लेंगे, भर लेंगे मसाले के साथ। चारों बैंगन अच्छे से हमने फिल कर दिए हैं। इसके बाद जो ये पेस्ट है ये बच गया है बेसन का और अब इस पेस्ट का यूज़ करेंगे मज़ेदार सब्जी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली गैस की तरफ और बनाते हैं ये बेसन की चटपटी स्पाइसी बैंगन की सब्जी। तो फिर से एक बार ऑन कर लेंगे गैस और इस पर वही कढ़ाई रख रहे हैं जिसमें हमने बेसन को भुना था और अब इसमें डाल देंगे हम तेल 3 से 4 चम्मच। तेल जैसे ही गर्म होने शुरू हो जाएगा तो उसके बाद डालेंगे हम ये सबसे पहले अजवाइन और जीरा दोनों ही बराबर मात्रा में। बैंगन की सब्जी में आप अजवाइन का यूज़ ज़रूर कीजिए, एक तो वो फ़ायदेमंद रहती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा देती है। साथ में हम डाल देंगे इसमें तेज़पत्ता और ये लाल साबुत मिर्च। गैस के फ्लेम यहाँ पे हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं और इसके बाद डालेंगे हम सूखे मसाले जिसमें कि मैं सबसे पहले ले रही हूँ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि तीखी वाली ऑलरेडी हमने इसमें डाली हुई है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच और अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी जिससे कि मसाले जो हैं जले नहीं। एक से 2 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी डाला है जिसकी वजह से मसाले जले नहीं। आप चाहें तो कटोरी में मसाला ऐड करके उसको इसमें पानी डाल के तब भी आप उसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि इसमें मुझे कलर बहुत अच्छा चाहिए था और कलर अच्छा चलने के लिए हमें तेल में ही मिर्च का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए अच्छे से ये मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं ये दही, जो हमें दही का फ्लेवर चाहिए वो चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ आधे बाउल के करीब दही और दही को हम कंटिन्यू चलाएंगे नहीं तो दही क्या हो जाती है फट जाती है। यहाँ जो खट्टेपन का जो फ्लेवर है जो हमने टमाटर का यूज़ नहीं किया वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमें दही का यूज़ चाहिए था। ये जो बैंगन है बेसन वाले ये दही के साथ बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है दही और बेसन का बैंगन के साथ। तो ज़रूर ज़रूर एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में भी और बनाने में भी। तो ये देखिए जब तक उबलेगी नहीं तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाना है।
लीजिए, तो जो दही है उसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, यानी कि अब हम दही को थोड़ा सा फ्री रिलैक्स छोड़ सकते हैं बिना चलाए हुए, क्योंकि इसमें उबाल आ गया है, तो फटने की कोई भी कैसी भी गुंजाइश नहीं होती। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे ये बेसन का जो हमने पेस्ट तैयार किया है प्याज के साथ, ये सारा बचा हुआ पेस्ट इसके अंदर जाएगा। और अब इसके साथ मिक्स करेंगे, और फिर इसे इसके साथ ही पकाएंगे 1 से 2 मिनट। 1 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें जो बैंगन है उन्हें भी डाल देंगे। पानी अभी नहीं डालना है, अभी हमें सिर्फ बैंगन इसके अंदर रखने हैं। और बैंगन को भी इस मसाले के साथ हम थोड़ा सा इसी तरीके से फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट इसी तरह हम बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। चलाते रहना है क्योंकि नीचे जो मसाला है वो बिना पानी का है, तो कहीं देखिए बैंगन का जो कलर है वो एकदम लाइट हो चुका है, क्योंकि बैंगन हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। बैंगन को इस तरीके से बिना पानी के फ्राई करना ज़रूरी है, जिससे कि टेस्ट फ्लेवर भी अंदर तक चला जाए और दूसरी बात कि जो बैंगन के अंदर का मसाला है वो भी बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पर नीचे वाला मसाला भी अच्छे से पक चुका है, ऑयल छोड़ रहा है और बैंगन भी। अब क्या ज़रूरत है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि पानी से थोड़ा सा हम ग्रेवी बनाएंगे सब्जी में। तो जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पानी ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और साथ में अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पर टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे और अब मिक्स कर देते हैं इस मसाले को ग्रेवी के साथ। और फाइनली अब हम इसे ढकेंगे और 4-5 मिनट तक अच्छे से पका देते हैं, जिससे कि बैंगन भी फ्राई हो जाए और जो ग्रेवी है मसाला है ये भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं इसे ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए, उसके बाद चेक करेंगे बैंगन की ये बेसन वाली मसालेदार सब्जी। आइए तो चेक कर लेते हैं सब्जी मसालेदार बैंगन और बेसन की। तो ये देखिए अच्छे से तैयार हो गई है, बिल्कुल गल चुकी है, जो मसाला है उसने बिल्कुल ऑयल जो है सेपरेट छोड़ दिया है। ये सबसे अच्छी पहचान होती है मसाला और सब्जी बनने की, जब तेल अलग होने लगे। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और फाइनली अब सब्जी में हम ऐड करेंगे हरा धनिया, सब्जी को खुशबूदार टेस्टी बनाने के लिए। तो लीजिए धनिया भी डाल चुके हैं और अब करके दिखाते हैं फाइनली आपको बेसन वाले बैंगन की चटपटी सब्जी की प्लेटिंग। बहुत लोग बैंगन के नाम से डर जाते हैं और बैंगन की सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये बैंगन की रेसिपी हम जो आज आपके साथ शेयर करी है, बेसन वाले मसालेदार चटपटे बैंगन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको भी बैंगन पसंद आने लगेंगे, आपको भी बहुत अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये सब्जी है ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो मसालेदार बेसन वाले बैंगन की ये चटपटी सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिए, फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये सब्जी पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपके लिए नई नई टेस्टी रेसिपीज़ ला सकेंगे और आप उन्हें इंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई टेस्टी सी वीडियो के साथ रीना किचन पॉइंट में। बाय बाय।